गुड मॉर्निंग एवरीवन, हर हर महादेव। तो अभी ढांचो में है और ये था अपना कल का स्टे। यहाँ पे कल रात में मैं सोया था भाई, मस्त स्टे था अपना। तो बाहर का मौसम देखिए, और भी सुबह 8 बजे लगभग मैं उठा था। 8 बजे एकदम क्लियर मौसम था। इधर का फ़ोटो आ रही होगी वो देखना, वो 8 बजे की फ़ोटो है। और अभी देखो क्या मस्त माहौल है। इधर भी अभी धूप निकल आई थी बट फिर चली गई धूप। तो अभी चाय पी रहे हैं और पराठा खा चुके हैं एंड अब यहाँ से थोड़ी देर में निकलेंगे। और मस्त माहौल है यार, मज़ा आ गई। कल रात में इतनी भयंकर बारिश हुई है ना, रात में क्या सुबह 4 से लेकर 6 बजे तक बारिश हुई है यहाँ पे, अच्छी खासी बारिश हुई है। मैं 5:30 बजे लगभग उठा था, एकदम पड़ पड़ की आवाज़ें आ रही थी। मुझे लगा कहीं बादल न पड़ जाए यहाँ पे, बट ऐसा होता नहीं है। हल्की फुल्की हुई थी, मतलब यहाँ के हिसाब से अगर यहाँ के लोकल की बात करें तो भैया बोल रहे थे कि इतनी बारिश नहीं हुई, आपको लग रहा होगा ऐसा, बट इतनी बारिश नहीं हुई। तो मैंने कहा ठीक है भाई, जितनी हुई उतनी सही है। चाय पीते हैं फिर मिलते हैं आपसे। मीठी चटनी है क्या ये? नहीं, अचार भी है। अच्छा चलिए पैक करते हैं सामान, अब निकलते हैं यहाँ से। ज़्यादा कुछ नहीं है, सब कुछ ऑलमोस्ट पैक ही है, ज़्यादा कुछ निकाले ही नहीं थे। केवल ये चार्जर वगैरह है और कुछ नहीं। चले भाई मिलते हैं फिर वापसी में, देखते हैं अगर आते हैं तो फिर यहीं पे रजिस्टर कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं भोलेनाथ के नाम लेके। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो मणिमहेश कैलाश की। और टाइम अभी सुबह के 10 बज रहा है। सबसे पहला पड़ाव होगा शिव घराट, देन इसके बाद भैरव घाटी, देन इसके बाद गौरीकुंड, तब फिर इसके बाद आएगा मणिमहेश कैलाश, मणिमहेश लेक। ये था अपना पहला लंगर, मतलब यहाँ पे अभी लंगर स्टार्ट हो चुके हैं। अभी यात्रा तो नहीं स्टार्ट हुई बट लंगर स्टार्ट हो चुके हैं। पहला लंगर दिखा जहाँ पे आपको रहने खाने की व्यवस्था है। अभी भी खाना बन गया है बोल रहे थे, बट मैं ऑलरेडी करके आया तो इसलिए। जाते टाइम तो मैं इसी रास्ते जाऊँगा, इस पहाड़ी के पैरेलल ही चलूँगा, बट आते टाइम वो जो आप टेंट देख रहे हो उस रास्ते से मैं कहीं से आऊँगा। ये रास्ता है, फिर यहाँ से ये पुल क्रॉस करके, पुल क्या वाटर क्रॉसिंग है, इसको क्रॉस करके, अब पता नहीं इसमें पुल बना होगा तो इसी से क्रॉस करेंगे, नहीं तो जैसे होगा वैसे क्रॉस करके तब फिर इसी ढांचो में ही मिल जाएंगे। ब्रिज कनेक्ट करेगा अपने को इस वाले रास्ते से, तो वापसी इस रास्ते से होगी। रास्ता भी ऐसा कन्फ्यूजिंग है ना, कहीं कहीं कन्फ्यूज़न हो जाता भाई। अब ये रास्ता सीधे इधर से आ रहा है और ये मेन ट्रैक है, बट यहाँ पत्थर वगैरह पड़े हैं तो बंद है। और ये मंदिर है छोटा सा, एक भोलेनाथ की मूर्ति लगी है तो अभी एक्सेस में नहीं है। एंड अभी इस रास्ते से जाएंगे, तो आप कभी भी आएँ तो कंफ्यूज ना होना भाई, इस रास्ते से चढ़ जाना, उधर बंद है भाई। तो अब ये 5-6 हेयर पिन बैंड्स हैं, वो ऊपर से लोग आते हुए दिख रहे होंगे, 5-6 क्या ज़्यादा ही लग रहा है यार मुझको। तो वहाँ तक जाना है, फिर इसके बाद इस पहाड़ी किनारे किनारे चलते हुए चले जाना है। किन्नौर में बसे किन्नर कैलाश, सिरमौर में बसे श्रीखंड महादेव, भरमौर में बसे मणिमहेश कैलाश। हर हर महादेव। आधा रास्ता लगभग कंप्लीट हो चुका है, आधा नहीं यार। ढांचो ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुके हैं। ये रहा पूरा ढांचो, नीचे से ही स्टार्ट हो जाता है। करीब आधे से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस में ढांचो बसा हुआ है। करीब 100 कैंप साइट यहाँ पे अभी भी एक्टिव हैं और 1-2 भंडारे यहाँ पे चल रहे हैं। बाकी मैंने आपको दिखाई दिया क्या ऐसा है माहौल। अगर आप नदी के उस साइड भी रहना चाहते हैं तो उधर भी कैंप साइट है, एंड अपनी पर्सनल कैंप लेना चाहते हैं तो उसकी व्यवस्था है। बाकी आने वाले समय में और भी बढ़ जाएंगी। तो अभी आधे एयरपिन बैंड हो चुके हैं, आधे अभी बाकी, ऊपर तक जाना है भाई। एंड उधर काफ़ी सारे वाटरफॉल भी दिख रहे हैं। कहाँ से आ रहे हो आप लोग? जम्मू के हैं? अरे वाह, ये सब जम्मू से लेके आ रहे हैं। तो आपकी कैंप साइट है क्या यहाँ पे? लंगर लगाते हैं? ना हाँ, ऐसे ही काम करते हैं। ऐसे ही काम, अच्छा अच्छा, चलिए बढ़िया है। ओके जी, मिलते हैं। जय शिव शंभू, जय हर हर महादेव। चैनल का नाम क्या है सर? नोमैडिक स्कॉर्पियन। नोमैडिक स्कॉर्पियन, हाँ जी। यूज चलाते हैं आप? हाँ। चलिए देखना आप। ओके, याद रहे तो बाय बाय। जहाँ कहीं भी शिववास है वहाँ पे आपने एक चीज़ तो कॉमन देखी होगी, सबको पता भी होता है कि जहाँ भोलेनाथ का निवास है वहाँ पे आपको नंदी महाराज जरूर मिलेंगे। बट 2 चीज़ और हैं जो शायद ही किसी ने गौर की हो, कि जितने भी कैलाश पर्वत हैं और जितने भी भोलेनाथ के निवास स्थान हैं, चाहे वो केदारनाथ हो, कैलाश मानसरोवर हो, मणिमहेश, किन्नर कैलाश, श्रीखंड महादेव, किसी भी जगह आप ले लीजिए, किसी भी शिवलिंग में, किसी भी ज्योतिर्लिंग में वहाँ पे आपको गौरी माँ और भैरवनाथ दो मंदिर दो स्थान जरूर मिलेंगे। जैसे आप मणिमहेश के लिए जाते हो तो सबसे पहले आता है भैरव घाटी, देन उसके बाद आता है गौरीकुंड, देन इसके बाद मणिमहेश लेक आती है, मणिमहेश कुंड आता है, उसके बगल में कमल कुंड है एंड उसके पहले ही पड़ता है गौरीकुंड। ये तीन कुंड पड़ते हैं, उसके पहले लेकिन भैरव बाबा के दर्शन करने होते हैं। अपने आप ही गिर गया ये। अच्छा वो नीचे कोई है नहीं। हे भोलेनाथ। चलो रुक गया अब। क्या अभी भी गिर रहा है क्या? अभी भी छोटे छोटे पत्थर गिर रहे हैं यार। अच्छा वो किसी को लगा नहीं, कोई था ही नहीं वहाँ पे, एक दो लोग थे वो तुरंत दौड़ गए। जय शिव शंभू। और यहीं से ही पत्थर गिरे हैं अभी नीचे, तो अभी लैंडस्लाइड देखी आपने, यहीं से ही पत्थर गिरे हैं। अब ये ऊपर से पत्थर आया है वो नीचे लेके गया है या फिर अपने आप नीचे गए हैं, क्योंकि ये जस्ट रखे हुए हैं साइड में, इसमें कुछ भी नहीं है, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। तो निकलते हैं यहाँ से जल्दी से, ऐसी जगह में रुकने का कोई मतलब नहीं होता भाई, निकल लो बस। कैसा रहा आपका, मतलब कब गए थे आप? हम कल गए थे शाम को। अच्छा तो कितने बजे पहुँचे? शाम में पहुँच गए थे गौरीकुंड 5 बजे। अच्छा फिर सुबह हम 7 बजे यात्रा स्टार्ट की थी ऊपर। अच्छा कहाँ से आए हम? जलंधर से। जलंधर से, चलिए बढ़िया। अभी पंजाब के कुछ लोग मिले थे, वापस ही लौट गए। बहुत लोग आ रहे हैं, वापस लौट गए, क्यों दर्शन ही नहीं किया। जय बोले की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वरिंदर सिंह सर। आपका? आपका वरिंदर सिंह। वरुण। और आपका भाई? ओके चलिए, हर हर महादेव। ओके जी बाय बाय। बम बम बोले। यहाँ पे करीब आधे घंटे का विश्राम हो गया और भाई लोग मिल गए थे तो उनसे बातचीत करने लगे, वही जम्मू वाले भाई। तो अब चलते हैं। अब हमारे हृदय के शॉट देखिए आप, फिर से माउंट कर लिए अपने हृदय में। चलते हैं अब आराम से। एंड टाइम ऑलमोस्ट 11 साढ़े 11 हो गया भाई शायद, हाँ 11:15 हो रहा है। इतनी बड़ी चट्टान आई यार ऊपर से, धंस गई है नीचे जाके। थोड़ा ऐसा पैच ही लग रहा है यार पूरा, लैंडस्लाइड टाइप का। तो ऐसी जगह पे टाइम ज़्यादा स्पेंड नहीं करना है, निकल लो बस चुपचाप। रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ है भाई ये भी, तो एकदम सीधी खड़ी चढ़ाई है। अब कैमरे में आपको दिख रहा होगा यहाँ एक्चुअल में खड़ाई चढ़ाई कैसी है, एकदम ऐसी 70 डिग्री की लगभग मान लो चढ़ाई है। और नीचे क्या मस्त फ्लावर लगे हैं भाई, येलो पर्पल वाइट सिल्वर एंड रेड एंड पिंक, मतलब कई तरह के फ्लावर हैं भाई, मस्त है भाई। चलो शिव के गराट पे मिलते हैं अब आपको, ऊपर भी है भाई। और ये एक नाला है, बरसाती नाला, जिसकी वजह से ये रोड मतलब ये जो ट्रेल बना था वो बह गया, काफ़ी तेज़ फ्लो आया होगा तो बह गया भाई और पूरा नीचे तक गया ये। फाइनली पहुंच चुके हैं शिव के घराट। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। अब ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे घराट मतलब चक्की की आवाज़ें आती रहती हैं, आवाज़ें आ रही हैं और वो क्यों आ रही हैं उसका बेसिक्स एक रीज़न है, जो नदी का शोर है उसका जो फ्लो है उसकी वजह से ऐसा रिफ्लेक्शन होता है, जिससे ऐसा लगता है कि वो चक्की चल रही है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी आप आके सुन सकते हो। मुझे अभी भी आवाज़ें आ रही हैं, आई डोंट नो आपको अब पता नहीं आवाज़ें आ रही हैं या नहीं, आई होप कि आप थोड़ा बहुत सुन पाए होंगे। और अगर आपको आवाज़ सुननी है इसकी, यहाँ पे आपको इतनी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ेगी, पता नहीं शायद जिसकी वजह से, इस पॉलीथीन की वजह से नहीं आ रही। आप वहाँ पे खड़े हो जाइए, ये नीचे आपको वो आवाज़ आराम सुनाई पड़ेगी। वहाँ पे मैं अभी खड़ा था, वहाँ पे एकदम साफ घराट की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। यहाँ पे एक बाबा जी हैं, उन्होंने मतलब यहाँ पे पूजा पाठ का पूरा प्रबंध कर रखा है और रहने की भी है व्यवस्था। इन केस अगर आपको मजबूरी में रुकना पड़े तो आप रुक भी सकते हैं यहाँ पे। कल का तो मैं बताना भूल ही गया आपको, रात में मतलब जहाँ पे मैं रुका था वहाँ पे जो भाई लोग थे उन्होंने मतलब काफ़ी अच्छी बातें बताई, मतलब काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताई यहाँ के बारे में। बेसिकली वो भरमौर से ही हैं और वो भी इस यात्रा में शामिल होते हैं। तो 11 तारीख या 10 तारीख से यात्रा स्टार्ट होनी है, तो सबसे पहला जो काम होता है, यात्रा उसके बिना स्टार्ट नहीं होती है, तो सबसे पहला काम होता है ढांचो से वीरभद्र के मंदिर तक जाते हैं। ये जो आप पहाड़ी देख रहे हो, वो जो ट्रेल देख रहे हो आप सामने, इस ट्रेल को पार करते हुए वहाँ पे कहीं पे ये लोग जाते हैं। और जो भी काम करना है, वीरभद्र मंदिर जाने से पहले आपको जो भी काम करना है, मतलब आपके पास कोई भी चमड़े का सामान नहीं होना चाहिए, आप एकदम शुद्ध होने चाहिए, चप्पल नहीं होनी चाहिए आपके पास, आप रास्ते में कहीं भी वॉशरूम नहीं कर सकते हो, कुछ भी ऐसा काम नहीं कर सकते हो जो कि गलत हो। वहाँ से लेकर वीरभद्र के मंदिर तक एकदम टॉप पे, अभी क्लाउड्स हैं काफ़ी ज़्यादा तो इसलिए दिख नहीं रहा है, बट वहाँ तक जाते जाते आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। फिर वहाँ से जब आप मंदिर पहुँच जाओगे वीरभद्र जी के, तब वहाँ पे बलि दी जाती है, बता रहे थे वही खुद ही, बलि दी जाती है, उनकी पूजा पाठ होती है। देन फिर वापस आते हैं, मणिमहेश पहुँचते हैं, वहाँ पर पूजा होती है, तब फिर ये यात्रा प्रारंभ होती है सबके लिए। अभी तो ये सब नॉन ऑफिशियल ही चल रहा है, जिसका मन है वो आता रहता है, बट जो ऑफिशियल यात्रा स्टार्ट होती है वो कुछ ऐसे स्टार्ट होती है। तो ये सब बातें कल उन्होंने बताई। और एक चीज़ बताई थी, वो भी आगे बताता हूँ मैं आपको। अब यहाँ से दो रास्ते हैं जाने के लिए, एक ये है और एक ये, दोनों में से कोई भी ले सकते हो आप। तो मैं मेन ट्रैक ले रहा हूँ। और इस यात्रा में आपको हर तरह का श्रद्धालु यात्रा करते हुए आपको मिल जाएगा, चाहे वो नंगे पैर हो, चाहे वो विकलांग हो, या फिर एकदम स्वस्थ हो, घोड़े में बैठ के भी जा रहा हो। सोचिए अगर ये बादल ना होते कितना शानदार होता है यहाँ का नज़ारा, कितना खूबसूरत, कितना मनोरम होता है ये दृश्य। बट बादलों ने सब ढक रखा है भाई। ये वैली अप्रतिम, प्रचंड, और ये पहाड़ क्या ही गए यार, इनका सॉलिड रॉक की चट्टाने भाई, सॉलिड रॉक की चट्टाने। अगर आपने ट्रांसफार्मर मूवी देखी होगी तो उसका जो पहला पार्ट है उसमें सेम ऐसा ही क्यूब दिखाया जाता है कि वो गुफा के अंदर, मतलब उसको यूएस गवर्नमेंट ने एक सेक्टर 51 नाम की जगह में ऐसे ही छुपा के रखा हुआ है ताकि उसको, उसके बारे में कोई जान ना पाए। तो जैसा वो क्यूब था ना भाई, वैसा ही ये है, मतलब चौखट की चौखट बनी हुई है और ये नेचुरल है, इसको किसी ने बनाया नहीं, कि इसको काटा नहीं गया है कि मशीन चली हो इसके ऊपर, एकदम नेचुरल। 4x4, 2x4, 2x2, 8x8 जैसे आपको पीस मिलते हैं ना मार्बल के या फिर टाइल्स के, सेम ऐसे ही पीस कटे हुए यहाँ पे लगे हैं और पूरी सॉलिड रॉक की चट्टान ही है, और ऊपर से लेके वहाँ, ऊपर से लेके यहाँ नीचे तक एक से एक की चीज़ें देखने को मिलती हैं भाई यहाँ पर। पता नहीं कब कौन से मोड़ पर आपको क्या दिख जाए। और अब आप वो देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ, मतलब मेरी नज़रें जो देख रही हैं ना, वो अब आप देख रहे हो, और जो मेरा दिमाग सोच रहा है वो आप सोच पा रहे हो, सुन पा रहे हो, क्योंकि अब मैंने अपने माथे पर लगा लिया अपना गोप्रो। ओके मित्र, एंजॉय करिए आप। ढांचो 4 किलोमीटर, गौरीकुंड 4 किलोमीटर, ऊंचाई 3471 मीटर, 3500 मीटर की हाइट पे पहुंच चुके हैं और ऊपर वो जो दिख रहा है आपको, वहाँ तक जाना है। एंड अभी गोप्रो चार्ज में लगा है तो माउंट नहीं कर रखा है हेड पे, वरना खच्चर जाती है। अच्छा खच्चर उससे जाते हैं। हाँ। चलो उससे नहीं जाएंगे भाई, नीचे वाले से हम भी जाएंगे। वैसे भी इतना चढ़ा है, अब और ज़्यादा नहीं हाइक करनी। सुबह कितने बजे चला था? मैं 10 बजे चला था भाई। 10 बजे? हाँ जी, हाँ। 68 से मैं 2-2:15 बजे चला था 5:30 बजे पहुंच गया था मैं ढांचो। हाँ, एकदम आराम से आया टहलते टहलते। जहाँ मन आता था रुक जाते थे, आधे घंटे पौन घंटे बैठे रहते थे। और यहाँ से दो रास्ते कटते हैं, एक रास्ता ये नीचे नीचे जा रहा है, वो भी जाता है गौरीकुंड। एक वो ऊपर से रास्ता जा रहा है जहाँ घोड़े कच्चर आपको दिख रहे हैं, वो भी गौरीकुंड जाता है। बट इसकी हाइट थोड़ी कम है, इसमें चढ़ाई कम है, और वो गौरीकुंड है। उसके बाद जस्ट मणिमहेश कैलाश आपको दिख जाएंगे। वही शायद जो पर्वत दिख रहा है वही मणिमहेश कैलाश हैं। तो ये रास्ता जो बेसिकली ऊपर वाला है वो घोड़े कचरों के लिए है, ये नीचे वाला पैदल वालों के लिए है। तो अभी जो भाई चल रहे हैं सामान लेके, उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि नीचे वाले रास्ता लो, वो ज़्यादा सही है। तो अपना नीचे वाले रास्ते से चलते हैं, ऊपर वाले ज़्यादा चढ़ाई करने से क्या मतलब भाई। अभी जब यात्रा स्टार्ट नहीं हुई तब ये हाल है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। नाम क्या है आपका? नाम क्या है? इंद्रजीत। कहाँ से हो आप? अच्छा अच्छा अच्छा, धर्मशाला से। चलिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, थैंक यू सो मच। तो भाई अपने साथ जो भी प्लास्टिक कूड़ा कचरा लेके आओ उसको एटलीस्ट अपने साथ लेके भी तो जाओ। यहाँ पे आते हो, अगर एक आप टॉफ़ी लेके आते हो, अगर उसका बोझ उठा सकते हो तो उस रैपर का भी बोझ आप उठा सकते हो। उसको अपने साथ वापस नीचे लाके किसी सही जगह डिस्पोज भी कर सकते हो। यहाँ फेंक के जाने से कोई मतलब नहीं भाई, गंद ही फैला रहे हो आप। देख रहे हो कितनी रैपर पड़े हैं टॉफ़ियों के, बिस्किट, नमकीन, चिप्स के। जय बोले, जय बोलेगी। तो अभी हम जा रहे हैं वाया भैरव घाटी मार्ग। यही है शायद भैरव घाटी मार्ग, और ऊपर वाला कोई और रास्ता है। तो काफ़ी हाइट है यार, देख के ही अपनी हालत ख़राब हो रही। तो अभी भैरव घाटी है, वो देखिए मस्त वाटरफॉल, मतलब ऊपर से ही चला आ रहा है, मणिमहेश से ही आ रहे हो। वो एक ये मस्त लग रहा है एक नंबर। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, भाई लोग भी आगे वेट कर रहे हैं। यहीं से जाना है, चलें? ये भी है दो रास्ते। आप लोग किससे जा रहे हो? इससे ही सही है ना? थोड़ा टफ है, इधर से जाए। कौन बोला था हमसे कि ये सही है? हाँ, आप तो जाएंगे, आप जा सकते हैं, चले आ सकते हैं। इधर तो कोई दिख भी नहीं रहा है ना आते जाते। अकेले हैं ये तो, आप लोग साथ में चलो चलें। और ये रास्ता टफ इसीलिए क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रेल नहीं बनी, ऊपर ट्रेल बनी हुई है और प्रॉपर ट्रैक बना हुआ है, यहाँ पे कोई ट्रैक नहीं है। बस ऐसे ही पत्थरों के बीच से निकलते चले जाना है, इसलिए ये थोड़ा टफ है एंड कोई प्रेफर नहीं करता है जल्दी। एंड आई डोंट थिंक ये सही डिसीजन था मेरा यहाँ आने का, मतलब इस रूट को लेने का। बट भाई लोगों के कहने पे मैं चला आया कि भाई साथ में चले जाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। बट यार आगे का देख के हालत ख़राब हो रही, एकदम सीधी चढ़ाई है, वो जा रहे हैं वहाँ पे। बट कोई ना, अब आ ही गए हैं तो पहुँचते हैं अब ऊपर, जो भी है। चलिए चलते हैं, रेस्ट हो गया, थोड़ा सुकून मिला। रेस्ट करते हुए चलना चाहिए ट्रैक में, जितनी आपकी कैपेबिलिटी हो उतना चलना चाहिए। दूसरों को फॉलो उतना ही करिए जितना सही हो। उनकी कैपेबिलिटी ज़्यादा है मुझसे, वो डेली आने जाने वाले हैं, मैं रोज़ रोज़ नहीं करता भाई ये सब। तो अब आराम से हौले हौले चलते हैं, इन सीनरीज़ को एंजॉय करते हुए। एक ये वाटरफॉल और उधर से मतलब वो तो गायब हो गई नदी पूरी आ रही, जो कि इधर मिल जा रही है, और सामने का व्यू। अरे भाई इतनी जगह है निकलने की। भाई अगर आप आ रहे हैं भाई लोग पहुंच गए ऊपर। बट सच में यार भैरव घाटी का रास्ता बहुत टफ है और बहुत ख़तरनाक भी है। बीच बीच में कहीं पे अब ये रास्ता कहीं चढ़ के ऊपर तब वहाँ पर इधर से ही आना है ना। चलो भाई अगर आप लोग आ रहे हो तो भैरव घाटी से ऊपर चढ़ाई मत चढ़ना, ऊपर नीचे दोनों साइड की मत ही करना, ज़्यादा सही है यार, बहुत टफ है, बहुत एकदम सीधी खड़ी चढ़ाई है। और यहाँ पे गणेश जी की सवारी के दर्शन हो गए भाई, सामने एक चूहा दिख रहा है, श्री गणेशाय नमः। हे भगवान, यात्रा सरल सुखद और सुगम बनाना वाकई की, क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ऑक्सीजन भी कम होगा और छोटी छोटी दूरी में ही सांस फूलने लगेगी, जैसे अभी हो रहा है। एक तो सीधी खड़ी चढ़ाई है, आगे मतलब गौरीकुंड के बाद इतनी चढ़ाई नहीं है, बट अभी है भाई। रास्ता देखो आप, एक ही आदमी निकल सकता है एक बार में, बहुत ही सकरा रास्ता है यार। भाई लोग डेली वाले हैं तो मुझको भी ले आए, बहुत आसान है, बहुत आसान है बोल के। एक भाई जम्मू से है और एक चंबा से है, दो भाई जम्मू से है शायद, बाकी इंट्रो कराते हैं अभी रास्ते में, नज़ारे लेकिन मस्त है भाई। कितना दूर है भाई? अभी थोड़ा दूर बचा है, गौरीकुंड आएगा ना अभी। बहुत टफ है और हल्की हल्की बारिश क्या बूंदाबांदी होने लगी है, है ना भाई? बट अभी इतनी नहीं हो रही भीग जाए, हल्की हल्की हो रही है। एंड 2 बज चुका है दोपहर का, अभी पहुँचे नहीं गौरीकुंड, जल्दी से पहुँचते हैं भाई और मेन ट्रैक में कनेक्ट हो चुके हैं। तो फाइनली पहुंच चुके हैं गौरीकुंड और टाइम कितना हो रहा है भाई, मतलब 15-20 मिनट हो चुका है, 2:22 हो गया, 2:30 बजने वाला है ऑलमोस्ट। और भाई लोगों की बदौलत मैं भी टाइम से पहुंच गया भैरव घाटी। भाई अपना नाम बता देना। आप और सैफ अली। कहाँ से हो आप लोग? जम्मू से हो? ये चंबा से हैं आप दो लोग, जम्मू कश्मीर, वो चंबा से हैं। और आप भाई? आप लोकल हो। आपका नाम? आकाश। आकाश। तो अभी यहाँ थोड़ी देर बैठते हैं, फिर चलेंगे मणिमहेश लेक की तरफ, फिर कमल कुंड की तरफ। और अभी दर्शन नहीं हुए मणिमहेश कैलाश के, जस्ट होने ही वाले, क्या पता थोड़ी देर में बादल हट जाए और भगवान भोलेनाथ दर्शन दे दें, वेट करते हैं। तो फाइनल, हाँ जी, अरे पानी बोतल रह गई भाई। थैंक यू सो मच भाई। पानी बोतल रह गई थी भाई, दौड़ते दौड़ते आए देने के लिए। ऐसे ही नए नए दोस्त बनाते रहना चाहिए भाई, बात करते हुए चलो एक दूसरे से। और वहाँ कहीं मणिमहेश लेक है तो वहीं तक जाना है अपने को। एंड इधर मणिमहेश पर्वत है और धुंध इतनी भयंकर आ रही ना थोड़ी थोड़ी देर में, कुछ भी विजिबिलिटी नहीं दिखती, मतलब कुछ भी नहीं दिखता। और ये रास्ता जाता है कमल कुंड के लिए और इधर जाएंगे मणिमहेश कुंड के लिए। और यहाँ से करीब 1 किलोमीटर डिस्टेंस पर ही है। पुल पार करते हैं अब। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आ गए भाई भोले के दरबार पे, भोले की कृपा कुछ भी करा सकती भाई। सारी पहाड़ियाँ दिख रही हैं, बस भोले की पहाड़ी नहीं दिख रही, ना भोले दिख रहे हैं। पता ना कब भोले के दर्शन होंगे। जय शिव शंभू, दर्शन करा के ही भेजना, थोड़ी कृपा हम पे भी बना देना। अब ये धुंध आती हुई थोड़ा बहुत जो दिखने का चांसेस थे वो भी ख़त्म हो गए भाई, अब ये धुंध पूरी कवर कर लेगी। पता नहीं भोलेनाथ क्या चाहते हैं। चाहते हैं बेटा पहले ऊपर पहुँचो, फिर उसके बाद दर्शन देंगे। और गौरीकुंड से जब आप ट्रैक स्टार्ट करेंगे तब भी आपको एकदम सीधी खड़ी चढ़ाई मिलेगी। पूरा गौरीकुंड यहाँ से एकदम सीधी खड़ी चढ़ाई है भाई। और जब आप इतना लंबा ट्रैक करके आते हो ना, ऑलरेडी थके हुए होते हो, तब ये चढ़ाई एक एक कदम ऐसा लगता है 100 किलोमीटर चल चुके हों। भोलेनाथ नाराज़ हो गया लग रहा है, किस बात में नाराज़ है पता नहीं। इंतज़ार करते हैं हम भी, बिना दर्शन किए नहीं जाएंगे। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। जैसे ही यहाँ पहुँचे बारिश होने लगी। ओम नमः शिवाय। और ये रही मणिमहेश कुंड और उधर मंदिर है। चलते हैं, पहले थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, फिर इसके बाद बाकी जो करना वो करेंगे। भाई बहुत थक गए, एक एक स्टेप ऐसा लग रहा था 100-100 फीट चल रहे हैं। बारिश काफ़ी तेज़ हो गई यार, कहीं पे शेल्टर लेते हैं, बैठते हैं थोड़ी देर। और मौसम क्लियर होते ही बाबा के दर्शन हो गए। ये रहे मणिमहेश कैलाश। हर हर महादेव। काफ़ी देर तक वेट करते रहे एंड बारिश सभी जस्ट रुकी है। जैसे ही टेंट से बाहर निकले, मौसम देखा, सामने बाबा दिख गया। भाई हो, यात्रा सफल रही। एंड ठंड बहुत है, ठंड मतलब बढ़ गई, अच्छी खासी ठंड हो गई है। तो अभी देखते हैं नहाने का क्या सीन है। बाकी सांस काफ़ी फूल रही यार, तो थोड़ा आराम से रेस्ट करके फिर देखते हैं आगे का क्या क्या करना है। चलते हैं भाई, देख लेते हैं नहाने क्या है। अगर पानी बहुत ठंडा हो, क्योंकि ठंड ऑलरेडी है एंड पानी हमेशा ठंडा रहता है, उसमें कोई नई बात नहीं है। बट इतने ऊपर आके हाइपोथर्मिया वगैरह हो गया, कुछ भी हो गया यार, ऐसे होता नहीं है। फिर भी देखते हैं क्या होता है, जैसा होगा आपको बताते हैं। एंड पीछे का नज़ारा, भोलेनाथ कैलाशी के वासी। ये रेवड़ी दाना देते या तो ये दोनों में कोई एक ही? हाँ बस एक पैकेट। हाँ ऐसे दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। और आप यकीन नहीं मानोगे, जब मैं यहाँ आया था भयंकर ठंड लग रही थी, सांस लेने में थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो रही थी और एक एक कदम चलना मुश्किल हो रहा था। बट यहाँ आया, थोड़ी देर बैठा, बारिश हो ही रही थी, थोड़ी देर बस बैठा रहा केवल और कुछ नहीं। जैसे ही बारिश रुकी, बाहर निकला, भोलेनाथ के दर्शन हुए और सारी थकावट गायब हो गई। फिर थोड़ा हाथ पैर धुले, कपड़े उतारने का मतलब मन नहीं कर रहा था, इतनी ठंड लग रही थी। बट अभी हाथ पैर धुल के बढ़िया भोलेनाथ के दर्शन करके अपना फिट हो गए। भाई यकीन मानिए, आप जब यहाँ पे आएंगे ना, यहाँ पे आना कठिन है, बस एक बार यहाँ आने के बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बस यहाँ पे आ जाइए। अभी फिर से धुंध हो गया, चारों तरफ कुछ भी नहीं दिख रहा है सिवाय फॉग के। तो चलते हैं, सामान वामान पैक करते हैं। यही अंकल की दुकान पे सारा सामान रख दिया था। सर आए हैं गुजरात से, सूरत से, यहाँ पर मणिमहेश। कैसा लगा सर आपको? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, मज़ा आया। अब यहीं पे स्टे करेंगे या फिर नीचे? नहीं, यहीं पे आज स्टे करेंगे, आज यहीं पे रुकेंगे, कल सुबह निकलेंगे। अच्छा, चलिए बढ़िया है। जय भोले की। इसके बाद आप जब यहाँ पूजा कर रहे हो, तब भी जब आप आए हो तब भी मैं रिकॉर्ड कर रहा था। गौरीकुंड तो डांस किया माता जी का। अच्छा, अभी गौरीकुंड नहीं गया। ये भैया आपको भेजेंगे अगर चाहिए तो आप। हाँ, कोई नहीं, व्हाट्सएप कर देना आप। भैया ने नंबर लिया। हाँ, कोई, मेरा खुद ही चार्ज नहीं है, मेरी इसकी बैटरी डाउन हो चुकी है, अब इसकी भी, और पावर बैंक लाया था वो भी डाउन। चैनल में अच्छा दिखेगा, यहाँ गुजराती लोग गरबा माता जी का गाना गाए। बिल्कुल, आप सेंड कर दीजिएगा। जो भी श्रद्धालु यात्रा के समय यहाँ पे आएँ एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, अभी जितना सुंदर ये आपको कुंड लग रहा है ये सुंदरता इसकी बनी रहे, क्योंकि मोस्टली होता क्या है जब यात्रा स्टार्ट होती है श्रद्धालु हद से ज़्यादा आते हैं और इसमें मतलब कूड़े का ढेर लग जाता है भाई, ये मतलब इतनी पवित्र लेक एकदम कूड़े के ढेर में बदल देते हैं लोग। तो आप आस्था के नाम पे गंध ना मचाएं, यहाँ पे आके आप अपना जो भी कूड़ा कचरा लेके आए हो, आई नो आपकी मतलब श्रद्धा भक्ति है, आप यहाँ पे विसर्जित करना चाहते हो, बट आप ये भी सोचो कि ये चीज़ आगे जाके कहीं ना कहीं पॉल्यूशन ही करेगी, जहाँ भी जाएगी यहाँ पे भी रहेगी, पॉल्यूशन ही करेगी। इसको हर साल साफ़ किया जाता है और हर साल यात्रा के दौरान इतनी गंदी हो जाती है जिसकी कोई हद नहीं होती, इतनी मतलब गंदगी होती है इस जगह पे कि साफ़ करना मुश्किल हो जाता है भाई। तो ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी आए गंद ना मचाए, आपके अपने साथ जो भी प्लास्टिक लेके आए वो अपने साथ ही वापस लेके चले जाएं, नीचे कहीं जाके अच्छी जगह डिस्पोज कर दें। टाइम ऑलमोस्ट 5:30 बज चुका है एंड लुका छिपी का खेल अभी जारी है, कभी दिखते हैं भोलेनाथ कभी छुप जाते हैं बादलों के बीच में। एंड इधर मौसम क्लाउड कंटिन्यूसली आते जा रहे हैं, तो सोच रहे हैं आज का स्टे गौरीकुंड में या गौरीकुंड के आगे, तो समझ नहीं आ रहा यार क्या करें, देखते हैं। गौरीकुंड के लिए अभी आगे जा रहे हैं, बाकी गौरीकुंड पहुँच के डिसाइड करते हैं क्या करना है, कहाँ स्टे करना है, जो भी होगा आपको बताते हैं तुरंत। और इधर मौसम एकदम चकाचक हो गया है, बट जो घाटी का वेदर है अभी भी क्लाउडी है, अभी भी क्लाउड फॉर्मेशन होता जा रहा है एंड ऊपर भी कुछ ऐसा ही है, कभी दिखते हैं। फाइनली पहुंच चुके हैं गौरीकुंड, अब यहाँ पे स्टे का देखते हैं। एंड मौसम देख रहे हो भाई चुटकियों, मतलब ऊपर से नीचे तक आते आते मौसम एकदम चेंज हो गया, दूर दूर तक विजिबिलिटी नाम की चीज़ नहीं है। कैमरे में थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, बट आप जब यहाँ आओगे ना तब आप एनालाइज कर पाओगे कि यहाँ कैसा माहौल है यहाँ का। इधर भी अपना ही है, अच्छा चलो बगल वाला भी देख लेते हैं। आज का स्टे अपना गौरीकुंड में होगा भाई। एंड एक ये इनका टेंट है, ये भी इन्हीं का है, एंड आगे भी एक टेंट सेटअप हो रहा है, उसमें भी काम चल रहा है, तो जिसमें मन हो उसमें लेट जाओ, कोई रोक टोक नहीं है, अभी यात्री भी नहीं है, तो जहाँ मन हो वहाँ लेट जाओ। लेट्स सी कहाँ लेटते हैं क्या करते हैं, सब सही है एक जैसा ही है। हाँ पे अपना सेटअप लगाएंगे भाई, 3-4 कंबल ले, बैग रख लिया है, एक कंबल अपना पिलो काम करेगा, बाकी 2 ओढ़ने के काम आएंगे। तो अभी एक मैगी के लिए बोला है, मैगी आ जाती है, मैगी खाते हैं फिर रेस्ट करते हैं। एंड अब इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें भाई। हर हर महादेव, धन्य हो गए भाई, आज एक कैलाश के दर्शन हो गए, बाकी 4 कैलाश अभी बाकी हैं, वो भी ज़रूर करेंगे। हर हर महादेव।